2 3 साल के मेहनत के बाद जब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला होता है तब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं जो कि आने भी चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल कैरियर। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे कई जगह मेरे पैसे वेस्ट हो गए और अगर मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती तो मेरे पैसे वेस्ट होने से बच जाते। कई चीजें जो कि मैं नहीं भी लेता तब भी मेरा काम फर्स्ट ईयर में चल जाता। कई ऐसी चीजें थी जो कि मैंने हाइप के कारण ले लिया, बाद में पता चला कि इसका कोई यूज नहीं है फर्स्ट ईयर में एज सच। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। कौन से बुक्स बेटर ज्यादा है, कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन से बुक्स की पीडीएफ से काम चल जाएंगी, क्या स्टेथोस्कोप सही में लेना इंपॉर्टेंट है, लिटमैन का स्टेथोस्कोप क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन से सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट होंगे, आईपैड लेना है, कौन सा टैबलेट लेना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर मेडिकल एसेसरीज, सबसे पहली एसेसरी जो आपको लेनी होगी वो है आपका एप्रन और बैज। तो एप्रन और बैज आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आप अपने एडमिशन के लिए नहीं जाओ, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आपके कॉलेज वाले या फिर सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे कि कहां से आपको एप्रन और बैजेस मिलेंगे। वहीं आसपास वहां पे शॉप रहते हैं जहां पे आपको जाके अपने कॉलेज का नाम बताना होता है और उन्हें पता होता है कि आपके एप्रन में कौन सा लोगो लगाना है, आपके बैजेस कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें उन्हें पहले से पता होती है। वो एड्रेस आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगे जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे, तो ये आपको पहले नहीं लेनी है एप्रन। ऑल्सो कई कॉलेज में हाफ स्लीव चलते हैं, कई कॉलेज में फुल स्लीव एप्रन लेने होते हैं, तो वो भी चीज आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम ही पता चलेगा। जैसे मेरे कॉलेज में तो फुल स्लीव्स एप्रन यूज होते हैं। दूसरी चीज, जब आप एप्रन लेने जाओ तो ये ध्यान देना कि जो एप्रन के लेंथ है वो हिप लेंथ तक आए और जो हाथ की जो लंबाई है वो एटलीस्ट रिस्ट से छोटी हो, क्योंकि जब अगर रिस्ट से ज्यादा लंबी आप ले लेते हो तो डिसेक्शन के टाइम या फिर जब आप लैब्स वगैरह में हो गए बायोकेमिस्ट्री लैब में तो वो प्रॉब्लम करती है, फिर आपको उसको ऊपर उठा के रखना होता है। वो उस समय समझ नहीं आता जब आप नया नया जाओगे, आपका शॉपकीपर आपको कन्विंस करेगा नहीं ठीक लग रहे हो, लेकिन आप ये देख लेना कि हिप लेंथ से ज्यादा लंबी ना लगे, क्योंकि एक साल आपको पहना है फिर ऑड लगने लगता है, उस समय समझ नहीं आता लेकिन बाद में लगेगा कि ये क्या पहन लिया मैंने। और जो लंबाई है हाथ की वो रिस्ट से हल्की छोटी हो तो ज्यादा बेटर। दूसरी एसेसरी है डिसेक्शन किट। इस किट में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो भी आपको चाहिए कैडेवर के डिसेक्शन के लिए। बट माय रिकमेंडेशन विल बी कि जब तक आप कॉलेज में नहीं चले जाओ और वहां पे एक दो हफ्ते क्लास नहीं कर लो, इस पूरे किट को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि आप कॉलेज में जाओगे आपके सीनियर्स ही आपको ये दे देंगे। दूसरी चीज, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस पूरी किट का अभी तक तो फर्स्ट ईयर में कोई यूज नहीं हुआ है। जो मेन चीजें यूज होंगी आपकी वो है आपका स्केल्पल हैंडल, सर्जिकल ब्लेड और टूथेड फोर्सेप्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी यूज होती है, पूरे किट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है एज सच, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ऑल्सो कि स्टार्टिंग में जब आप जाते हो कॉलेज में तो एक्साइटमेंट रहता है आपको कि चलो हम लोग डिसेक्शन करेंगे, लेकिन ये एक दो हफ्ते के अंदर ही आपका ये सारा एक्साइटमेंट निकल जाता है। और उसमें 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसेक्शन कर ही नहीं रहे होते, तो उनके लिए जो ये डिसेक्शन किट है वो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो इसे अगर ये लोगे भी तो टाइम बीतने के बाद लेना, एकदम एक्साइटमेंट में सबसे पहले जाके मत ले लेना। और लोगे भी तो जो डिसेक्शन करने वाले भी हों वो भी अगर चाहें तो ये स्केल्पल हैंडल, सर्जिकल ब्लेड और टूथेड फोर्सेप्स अलग से ले सकते हैं, पूरी किट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। थर्ड एसेसरी है जो कि बहुत फैसिनेट करती है लोगों को, वो है स्टेथोस्कोप। पहले ही मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आपको लिटमैन का स्टेथ लेने का कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। कोई भी 1000 रुपए के अंदर के स्टेथोस्कोप से आपकी पूरी एमबीबीएस निकल सकती है। आपको कोई यहाँ पे कार्डियो सर्जन नहीं बनना है जो आपको लिटमैन जैसा एडवांस स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी एमबीबीएस में। सो कोई भी 1000 रुपए के अंदर वाला स्टेथोस्कोप चलेगा अगर आप लेने की सोच रहे हो। मैंने तो अभी तक नहीं लिया क्योंकि ये जो स्टेथोस्कोप है वो मेनली फिजियो के प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं और वहां पे कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, तो एज सच मेरे को अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी है। फोर्थ नेसेसिटी है आपके ग्लव्स। ग्लव्स आपके डिसेक्शन के टाइम यूज होंगे, अगर आप डिसेक्शन करने वाले हो तब तो आपको ग्लव्स रोज यूज करने होंगे, वो एक बार यूज करके फिर आपको डिस्पोज करना होता है। और अगर आप डिसेक्शन नहीं भी करोगे तब भी आपके ग्लव्स यूज होंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप डिसेक्शन करने के बाद जाके पार्ट्स को देख सकते हो अपने हाथों से छू के, तो वो फिर हेल्पफुल रहता है आपके लिए। अगर आप फिर भी मेरे जैसे हो जो कि दोस्तों से मांग के ग्लव्स यूज करने वाले में से है, तब आपको ग्लव्स लेने की कोई जरूरत नहीं। फिफ्थ एसेसरी है आपकी लेंसिंग डिवाइस प्लस लेंस सेट। जब आपकी हिमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स होंगे फिजियोलॉजी में तब आपको यूज करने होंगे, क्योंकि क्या होगा कि हिमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स में आपको खुद का ब्लड निकालना पड़ेगा, वहां पे वो लेंस सेट देते हैं उससे खुद से प्रिक करके आपको ब्लड निकालना पड़ता है। तो वैसे तो ये जनरली कोई दिक्कत होता नहीं है इसमें, आप खुद से प्रिक करवा लो क्योंकि उस समय सब फ्री होते हैं तो कोई भी आके प्रिक कर देता है। लेकिन जब आपके एग्जाम्स होंगे उस समय दिक्कत होती है, क्योंकि फिर आप किसके पास जाओगे प्रिक करवाने के लिए, टीचर्स प्रिक करेंगे नहीं, फिर आपके दोस्त एग्जाम दे रहे होंगे तो उनसे प्रिक करवा नहीं पाओगे। उस समय आपका लेंसिंग डिवाइस यूजफुल हो सकता है, इसमें आपको लेंस सेट लगाना होता है वो ऑटोमेटिकली प्रिक करता है, आपको बस बटन दबाना होता है, वो एग्जाम के टाइम यूज होगा। अगर आपको खुद से प्रिक करने में दिक्कत होती है, 2 3 बार अगर आपको मारना पड़ेगा दर्द होगा आप, ठीक है, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये बस एक चीज है जो कि हेल्पफुल हो सकती है, तो मैंने यहाँ बता दिया। सिक्स नेसेसिटी आपकी बोन सेट। अगेन इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको सीनियर से मिल जाते हैं फॉर फ्री, तो आपको ये मोस्टली कब यूज करना होगा, जब आपके वाइवाज होंगे, ऑस्टियोलॉजी वाइवा जब होगी आपकी तब आपको मेनली यूज करना होगा। तो ज्यादा यूज होता नहीं है, बस एग्जाम से पहले यूज करना होता है, तो आपको ये पूरा बोन सेट 10-12 हज़ार का खरीद के कोई मतलब है नहीं। अगर आपको खरीदना पड़ भी गया तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा।
सेकेंड डाउट और जिस चीज़ का बहुत हाइप भी बना हुआ है कि क्या हमें लैपटॉप और टैबलेट लेना होगा, इनमें से कोई भी आईपैड या फिर कोई भी दूसरा टैब लेना होगा अपने एमबीबीएस की जर्नी के लिए। अगर आप ऐसी वीडियोस देख के सोच रहे हो कि मैं आईपैड ले लेता हूँ और मैं भी ऐसे नोट्स बनाऊंगा, अच्छे अच्छे नोट्स अपने 5 साल के अंदर, ताकि मैं अच्छे से पीजी क्रैक कर पाऊँ, तो 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं। ये सोचते तो सब है और इसी के लिए वो आईपैड वगैरह भी लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, ताकि वो नोट्स बनाए अच्छे से, लेकिन वो करते कोई भी नहीं है। तो 99% लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। तो अगर आप ये सोच के लेने वाले हो आईपैड और या फिर कोई भी दूसरा टैब सैमसंग का टैब लेने वाले हो, तो मत लेना, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। इनिशियली सबके दिमाग में ये रहता है कि अब हम लोग 5 साल अभी से पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया था ड्रॉप ईयर में, हम जब भी लेजीनेस दिखाते थे तो हमको एक और ड्रॉप लेना पड़ जाता था, लेकिन पीजी में ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, 1 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कॉलेज के हेक्टिक अनप्रोडक्टिव आवर्स के बाद आपके पास वो टाइम बचता ही नहीं है कि आप नोट्स बना पाओ, क्योंकि आपको सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है, जितना नीट यूजी में सिलेबस था उससे कई ज्यादा सिलेबस सिर्फ एनाटॉमी का है आपके फर्स्ट ईयर में। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है, आपको सारे बुक्स पढ़ने हैं, उसको याद भी रखना है, तो सिर्फ नोट्स बना के काम चलेगा नहीं आपका। तो फिर लोग शिफ्ट हो जाते हैं नोट से, सिर्फ बुक हाईलाइट करने लग जाते हैं वो। तो इसीलिए ये चीज़ जो इनिशियली सोचते हैं कि हम लोग नोट्स बनाएंगे और इसलिए आईपैड ले लेते हैं, ये कोई काम आता नहीं है। मैंने भी यही सोच के लिया था, लेकिन एटलीस्ट मेरे तो यूट्यूब के कारण मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। होता क्या है कि मोस्टली लोग 3rd-4th ईयर में जाके पीजी प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स आते हैं वो ऑनलाइन प्रिंटेड नोट्स मंगा ही लेते हैं। तो अगर आपको एंड में जाके नोट्स मंगाने हैं या प्रिंटेड नोट्स, तो फालतू में ये नोट्स बनाने में जो टाइम वेस्ट होगा आपका, अगर बना पा रहे हो बाकी चीज़ों को मैनेज करते हो तब तो बहुत सही, लेकिन अगर नहीं बनाते हुए आपकी बाकी चीज़ें छूट रही हैं, आप बुक्स रीड ही नहीं कर पा रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स, या फिर आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपको एंड में जाके प्रिंटेड नोट्स मंगानी है तो फिर ये टाइम वेस्ट है, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, आईपैड का एक काम हो सकता है कि अगर आप पीडीएफ्स रख के पढ़ना चाहते हो, आप सारे गोल्ड स्टैंडर्ड बुक महंगे महंगे बुक्स नहीं लेना चाहते हो, जो कि सही डिसीजन है, उसके लिए आप आईपैड को रख सकते हो। मोस्टली लोग इसीलिए रखते भी हैं आईपैड वगैरह को। सो आईपैड 9th Gen या फिर सैमसंग S6 Lite, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, जैसा आपका फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से। थर्ड डाउट है कि भैया हम लोग कॉलेज में आने के जस्ट बाद ऐसे कौन से सब्सक्रिप्शंस ले, कौन से ऐप्स को हम लोग सब्सक्राइब करें या ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करें, जिसके थ्रू हम लोग नीट पीजी में अच्छी रैंक ला पाए और फर्स्ट ईयर से ही हम लोग तैयारी स्टार्ट कर पाए। जस्ट नीट यूजी देकर आने के बाद सबको लगता है कि अब हम लोग नीट पीजी की प्रिपरेशन अभी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि नीट पीजी हमारी अच्छी निकल जाए और हम लोग नीट पीजी फोड़ के निकलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में सुना था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर इज नॉट फॉर पीजी प्रिपरेशन, इट इज फॉर मेकिंग कंसेप्ट, ये मैंने अब एक्सपीरियंस भी कर लिया कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से कोई भी ऐसे ऐप्स जो कि पीजी की प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस है उनको सब्सक्राइब कर लेते हो, आप सोचते हो कि अभी से हम लोग वीडियो देखेंगे धीरे धीरे करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, तो हमारा पीजी प्रिपरेशन अच्छा होते जाएगा, वो सही तरीका है ही नहीं। फर्स्ट सेकेंड ईयर सही में कंसेप्ट बनाने का टाइम है, और अगर आप उन वीडियोस के थ्रू आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो अपनी फर्स्ट सेकेंड ईयर की, तो आप कंसेप्ट अच्छे नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स के बारे में बात होती नहीं। ये एप्स जो कि आप अभी फर्स्ट ईयर सब्सक्राइब कर रहे हो, ये एक्चुअली तब के लिए जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा 4th ईयर या इंटर्नशिप, वहां पे आपको ये वीडियोस हेल्प करेगी, जब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा, जो कि नीट पीजी के लिए बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखती है। लेकिन अभी आपको, आप जब फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आपको इन डेप्थ पढ़ना है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ताकि फिर आप सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ पाओ। अगर आपकी फर्स्ट ईयर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप सेकंड ईयर अच्छे से निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप इन रिविजन वीडियोज के थ्रू पढ़ोगे और सोचोगे कि मेरा फर्स्ट ईयर अच्छा निकल जाएगा, तो ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आप कहीं फर्स्ट ईयर पास भी ना हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस रहती है, सारे टॉपिक्स कवर्ड भी नहीं हो इन रिविजन वीडियोज में। ये ऐप जो कि बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको तो लेने की गलती मत करना फर्स्ट सेकंड ईयर में, अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके थ्रू मैं एमबीबीएस की जो प्रोफेशनल एग्जाम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उसको क्लियर कर लूंगा, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मैं पिछले साल अपने कॉलेज में आया था, तब मेरे को भी ये लगा था कि मुझे इतना क्लियर था कि नीट पीजी की प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड ईयर से नहीं होती है, तो मैंने ये एप्स, इन्हीं में से जो फेमस एप्स हैं, इनका एक सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ये सोच के कि मैं इनके थ्रू जो मेरे क्लासेस में टॉपिक चलेंगे उसको मैं कवर करते जाऊंगा, जैसे ही वहाँ पे टॉपिक चलेगा उसको मैं इसके थ्रू पढ़ते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, इन डेप्थ मेरे को समझ में आ जाएगा टॉपिक। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, जब मैंने उसको लिया उसके बाद मेरे को दिखा कि यहाँ पे तो टॉपिक्स ही नहीं है, जो क्लास में चल रहा है वो टॉपिक्स में प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस रिविजन वीडियोज है जो कि हाई वेटेज टॉपिक्स है पीजी के लिए। ऐसे टॉपिक जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं और वो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, लेकिन वो क्योंकि पीजी में नहीं पूछे जाते हैं, वो उन पे यहाँ पे वीडियोज है ही नहीं, तो मैं इसके थ्रू मतलब मैं प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर ही नहीं सकता था। ये चीज मेरे को ये लेने के बाद पता चली। तो ये जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था ये मेरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया, फिर बाद में जाके मेरे को यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता था कोई भी टॉपिक अगर मेरे को पढ़ना है तो। लेकिन अभी पीडब्ल्यू ने अपना मेडेड प्रोग्राम निकाला और मुझे लगा कि बाकी ऑर्डिनरी एप्स की तरह ये भी बस पीजी की प्रिपरेशन कराएगा और इसमें आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी तो नहीं कर सकते उसके थ्रू। लेकिन मैं गलत था, जैसे ही मैंने उस ऐप को खोला मेरे को दिखा कि यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम्स बच्चों के लिए, दैट इज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए अलग से बैचेस बनाए हुए हैं, जिसमें इन डेप्थ
हर एक टॉपिक कवर हो रहे हैं, टीचर लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे ले रहे हैं जिसके थ्रू आपके हर एक टॉपिक वहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो मैंने यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरे को लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिल रहे थे। अगर कोई भी टॉपिक जो मेरे क्लास में चल रहा है उसको मेरे को यहाँ पढ़ना है तो मैं आके उस टॉपिक को बस स्टार्ट करता था और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। वो लेक्चर कवर करने के बाद मैं जाके क्वेश्चन बैंक खोलता था और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस आता था कि चलो मेरी यूनिवर्सिटी की तैयारी तो चल रही है, साथ ही साथ मेरा यहाँ पे पीजी प्रिपरेशन भी हो रहा है क्योंकि मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है तभी मैं एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये चीज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर रहा था और इसीलिए ये बेटर है देन एनी अदर ऐप जो कि यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में, जो कि सिर्फ पीजी प्रिपरेशन के रिविजन वीडियोज आपको उठा के दे रहा है फर्स्ट ईयर में और कह रहा है कि इससे एमबीबीएस की तैयारी कर लो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल। दे आर वेरी गुड एप्स लेकिन इंटर्नशिप और फाइनल ईयर के लिए जब आपको पीजी की प्रिपरेशन सही में करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं और साथ ही साथ पीजी प्रिपरेशन भी करते जानी है तो उसके लिए अगर आप इन प्रोफेशनल बैचेस को ज्वाइन करते हो तो ज्यादा बेटर है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे वही टीचर्स हैं जो कि जिनकी वीडियोज में सर्च करके यूट्यूब पे देखता था अगर मेरे को कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, तो वही टीचर जैसे कि जामुलकर सर जो कि बहुत फेमस है बायोकेमिस्ट्री में, सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स उन्हीं से पढ़ के पास होते हैं मोस्टली, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एनाटॉमी के अच्छे टीचर्स, फिजियोलॉजी के अच्छे टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिनके थ्रू आप इजीली अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपको भी अपने एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन और नीट पीजी प्रिपरेशन साथ में करनी है तो आप पीडब्ल्यू मेडिट ऐप डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल के दे दिया है। और अगर आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट चाहिए तो आप एग्जॉन कोड मेरा अप्लाई कर सकते हो उसमें। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। फोर्थ डाउट आता है बच्चों के माइंड में कि हमें कौन कौन से बुक लेने होंगे, क्या बहुत सारे बुक्स हमें खरीदने होंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखो फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपको दो मेन टाइप्स के बुक्स लेने होते हैं, एक होता है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड बुक और एक होता है इंडियन ऑथर। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मेनली आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, पीजी प्रिपरेशन के लिए मेनली यूज होता है, और जो इंडियन ऑथर के बुक्स हैं वो मेनली आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करने के लिए यूज होता है या जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे कॉलेजेस में उनको पास करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि मैंने किस सब्जेक्ट में कौन से बुक ली है, कौन से इंडियन ऑथर के लिए, कौन से फॉरन ऑथर की मैंने बुक ली है या फिर पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, सब मैं बताता हूँ आपको। और एग्जाम के लिए कौन से नोट्स मैं यूज करता हूँ पास होने के लिए, तो ये सब चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक डिस्क्लेमर कि इंडियन ऑथर के बुक्स लेने से पहले जब आप कॉलेजेस में बात कर लेना अपने प्रोफेसर से, जो वो प्रेफर करें वो बुक लेना, वो आपको दो तीन ऑथर्स के नाम बता देंगे, वो जो भी इंडियन ऑथर आपको फिर अच्छा लगे वो ले लेना। बाकी मोस्टली कॉलेजेस में यही ऑथर्स यूज होते हैं जो कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहला सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो मैं इंडियन ऑथर यूज करता हूँ वो है एके जैन। एके जैन की दो वॉल्यूम्स आती हैं फर्स्ट ईयर में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो दोनों बुक्स मैंने ली थी है, उसी से मैं अपने एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन है मैं उसी यूज करता हूँ, मतलब मैं उसी से रीड करता हूँ। जहाँ पे मेरे को डाउट होता है तब मैं गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जाता हूँ जो कि है गाइटन। दो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गाइटन है, एक गनॉग है। गाइटन मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो ईजी लैंग्वेज वाला मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। इनसेट गनॉग भी बहुत अच्छी बुक है, मेनली वो पीजी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस बुक है, लेकिन उसमें लैंग्वेज जो है काफी मतलब हार्ड है, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है गनॉग में, लेकिन बुक बहुत अच्छी है वो भी। मेनली मेरे पास दो बुक्स है, एक है एके जैन और गाइटन। गाइटन के लिए मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली आपको इंटरनेशनल एडिशन नहीं खरीदना है, साउथ एशियन एडिशन जो है वो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। मैंने अपने दोस्त की पढ़ी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने साउथ एशियन एडिशन बुक खरीद ली थी, अदरवाइज मैं गोल्ड स्टैंडर्ड की पीडीएफ ही रखता हूँ मेनली, लेकिन इसकी मैंने बुक मंगा के रखी हुई है तो ये आप रख सकते। बाकी मैं एके जैन को ही हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैंने बताया था मेरे पास टाइम बचता नहीं है नोट्स बनाने का, तो मैं एके जैन को हाईलाइट करता हूँ, उसी को रिवाइज करता हूँ और गाइटन को एज ए रेफरेंस में यूज करता हूँ जब भी मेरे को कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझना है या कोई टॉपिक मेरे को एके जैन से समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको गाइटन से रेफर कर लेता हूँ। एक और चीज की ये मत समझना कि गाइटन इंटरनेशनल एडिशन और साउथ एशियन एडिशन में कोई ज्यादा फर्क है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस इंटरनेशनल एडिशन में बहुत ज्यादा स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है, आप पीडीएफ देखना आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जो साउथ एशियन एडिशन है वो इंडियन कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है तो उसको पढ़ना ज्यादा आसान होता है। जो कॉलेज में टॉपिक चल रहा है या फिर जो सेमेस्टर में आने वाला है उस हिसाब से आप उसको उस टॉपिक को ढूंढ के वहां से पढ़ सकते हो इजीली साउथ एशियन एडिशन से। तो सेकंड सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का वो है बायोकेम। बायोकेम में जो मैं इंडियन ऑथर यूज करता हूँ वो है वासुदेवन। वासुदेवन से एग्जाम के लिए जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, पास करना होता है उसी से हो जाता है, मैंने बस वासुदेवन रखा हुआ है। बाकी इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है हार्पर। हार्पर भी आप रख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं हार्पर नहीं पढ़ता हूँ, मैं वासुदेवन ही पढ़ता हूँ। हार्पर में एक टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला टॉपिक वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैं उससे पढ़ लूंगा हार्पर से, लेकिन बाकी इंडियन ऑथर से ही मैं बाकी आपकी जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो कवर कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम पास होने के लिए एक और चीज आता है जामवलकर सर के नोट्स, उसको भी हम लोग रिफर करते हैं, रिविजन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो प्रिंटेड नोट्स यहाँ पे सबके पास प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग एंड के टाइम में रिवाइज करके चले जाते हैं और एग्जाम पास हो जाता है भी हो रहे हैं। तो इसमें आप यही कर सकते हो, आप इंडियन ऑथर की वासुदेवन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, लेकिन मोस्टली वासुदेवन ही चलता है। और दूसरी चीज हार्पर जो है वो एज ए पीडीएफ आप रख सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है उसे जो कि उसमें ज्यादा बेटर दिया हुआ है तो उसको आप पीडीएफ से फिर रिफर कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी, जो कि बहुत फेमस सब्जेक्ट है। इसमें मेनली चार पार्ट्स आते हैं आपके, ग्रॉस एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी की जब आप बात करोगे तो इसमें इंडियन ऑथर की जो बुक आती है जो बहुत फेमस है वो है बीडीसी,
मैं BDC यूज करता हूँ, इसके 4 वॉल्यूम्स आती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप चारों वॉल्यूम्स एक साथ मत ले लेना, क्योंकि जो फोर्थ वॉल्यूम है वो है न्यूरो एनाटॉमी की। तो अगर आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़नी है तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं विश्राम सिंह की न्यूरो एनाटॉमी ज्यादा अच्छी है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, वो आप एक दो रीडिंग मार लोगे अपने दोस्त की बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विश्राम सिंह लेनी सही रहेगी या फिर BDC लेनी सही रहेगी। मैं BDC मैंने 4 वॉल्यूम ले ली थी तो फिर मैं उसी से कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप वॉल्यूम्स लोगे तो एक एक करके वॉल्यूम, क्या पता आपको BDC उतनी सही नहीं लगे, तो इसलिए आपको मान लो कभी विश्राम सिंह पे स्विच करना है तो अगर आपने पहले 4 वॉल्यूम ले ली होगी तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए एक एक वॉल्यूम लेना। अगर मान लो आपको BDC शूट करता है तो आप फिर बाकी वॉल्यूम्स उसी के ले लेना, या फिर आपको अगर विश्राम सिंह बाद में ज्यादा पसंद आ गया तो फिर उसके वॉल्यूम्स आप ले लेना, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ एनाटॉमी के लिए आप BDC या फिर विश्राम सिंह, इनमें से कोई भी इंडियन ऑथर को आप चूज कर सकते हो। इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है ग्रेज एनाटॉमी, ठीक है। इसमें भी इंटरनेशनल एडिशन मत लेना, लेना है तो साउथ एशियन एडिशन लेना, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल बुक है, पूरी कवर करना मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल है एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अनलेस अनटिल आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने तो नहीं लिया, बाकी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि साउथ एशियन एडिशन में दिक्कत ये कि आपको उसके PDFs नहीं मिलेंगे, इंटरनेशनल के PDFs आपको मिल जाएंगे, तो उससे भी आप कर सकते हो कवर, अगर आपको मान लो कोई टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ सकते हो सर्च करके PDF में, बस है कि वो स्कैटर्ड वे में दिया जाता है, साउथ एशियन एडिशन में बहुत ज्यादा अरेंज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो लेकिन ग्रेज एनाटॉमी बहुत ज्यादा लीस्ट चांस है कि आप यूज करोगे, तो इसलिए उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर न्यूरो एनाटॉमी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आपको या तो BDC के फोर्थ वॉल्यूम या फिर विश्राम सिंह की जो न्यूरो एनाटॉमी की बुक आती है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे को लगता है, मैं BDC यूज कर रहा हूँ, कोई विश्राम सिंह यूज कर, सबका वेराई करता है, तो इस पे आपकी ये आपका चॉइस होना चाहिए, ये मैंने बता दिया कि ये सारी बुक्स इसमें यूज की जाती है। फिर आ जाते हैं हम लोग एम्ब्रायोलॉजी पे, एम्ब्रायोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक यूज होती है वो है लैंगमैन। अगर आपको इंडियन ऑथर की बुक चाहिए जो कि 3 पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है वो है आईबी सिंह, मेरे दोस्त यूज कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, बेटर बुक है वो। बाकी जो लैंगमैन है उसका आप PDF रख सकते हो, अगर आपको कहीं रिफर करना है तो आप उसे लैंगमैन से रेफर। फिर हिस्टोलॉजी पे आते हैं, हिस्टोलॉजी में आप डिफॉल्ट ले लेना, डिफॉल्ट बुक मत लेना, बस उसकी PDF रख लेना, मोर देन सफिशियंट हो जाता है, जब भी आपको पढ़ना उसे पढ़ लेना, अलग से कोई आईबी सिंह या फिर उस बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती मेरे को लगता है हिस्टोलॉजी में, PDFs डिफॉल्ट के अगर आपके पास है तो मोर देन सफिशियंट है। बाकी जो आपको मैनुअल्स वगैरह मिलेगा कॉलेज में वो भी, उसमें भी पॉइंट वाइज दिए जाते हैं चीजें, तो उससे भी आप पढ़ के चीजों को रिवाइज कर सकते हो फटाफट, और वो भी आपके मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। तो मेनली आपको इंडियन ऑथर के बुक्स ले लेनी है जो भी आप पढ़ने वाले हो, और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक अनलेस अनटिल आपको बहुत पसंद आ जाए बुक तब तक उसको खरीदना मत, उसको PDFs में यूज करना, अगर आप iPad वगैरह या फिर Samsung Tab लेने की सोच रहे हो। कि मोस्टली क्या होगा कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड ले तो लोगे लेकिन आप उतना टाइम निकालोगे नहीं पढ़ने के लिए, फिर आप एंड में बस इंडियन ऑथर पढ़ के पास होने का सोचोगे, तो फिर वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जाओ कॉलेज में रहो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ये चीज काम में लगने वाली है तभी उसको लेना, हाइप में आके मत लेना कि अरे सब ले रहे तो मैं भी लेता हूँ, वो सब ले रहे हैं लेने दो उनको, एक दो हफ्ते रुको बाद में वो रिग्रेट करेंगे, और आप फिर तब डिसीजन लेना कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर डिसीजन होगा, ठीक है। चीज बुक्स को यूज करके देखो, पढ़ो उसको, अगर पसंद आ रहा है तब उसको खरीदो, अदरवाइज PDFs में यूज करो। इंडियन ऑथर की PDFs जल्दी मिलती नहीं है तो ये दिक्कत है, तो उसको ले सकते हो क्योंकि उसको आप यूज भी करोगे एग्जाम पास होने के लिए, आप वही पढ़ने वाले हो। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आप तब लेना जब आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, जैसे कि मैंने गाइडन साउथ एशियन एडिशन लिया था जब मैंने दोस्ती पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उसको ले लिया था, बाकी मैंने और किसी भी सब्जेक्ट में गोल्ड स्टैंडर्ड बुक नहीं मंगाया हुआ है। बाकी कुछ साइड से जो बुक्स आपको रखनी होगी एनाटॉमी में, जो लोग कहते हैं कि आपको रखना होता है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एटलस, जो कि कहते हैं कि एनाटॉमी में एक एटलस होनी चाहिए, तो बहुत सारे एटलस है, नेटर्स एटलस मैंने पर्सनली रखा हुआ है, PDF मेरे पास है, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो ये मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, क्योंकि अब 3D एनाटॉमी करके एप्स बहुत सारे अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पे, और उसमें मेरे को समझ में ज्यादा बेटर लगता है तो मैं वही यूज करता हूँ। PDF मेरे पास है ऑलरेडी रखा हुआ, लेकिन मैं हाँ मैंने खरीदा नहीं है, खरीदना तो बिल्कुल मत, क्योंकि बहुत कम ही यूज करोगे, और मेरे को लगता है 3D एनाटॉमी जैसे ऐप जो है वो ज्यादा बेटर है, उससे समझना ज्यादा आसान हो जाता है जब आप 3D में देखते हो, तो मैंने वो रखा हुआ है। बाकी प्रैक्टिकल मैनुअल्स आपको लेना होगा, जैसे कि डिसेक्शन करने जाओगे तो डिसेक्शन के लिए जो मैनुअल होता है वो कनिंघम यूज होता है मोस्टली कॉलेजेस में, ठीक है। तो आप उसको आपको कहेंगे लोग लेने के लिए, लेकिन मत लेना क्योंकि वो कुछ दिन यूज होता है, डिसेक्शन से जस्ट पहले यूज होगा, उसके बाद उसको कोई काम नहीं है, ना ही एग्जाम में ना ही PG प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वो बुक मत लेना आप, अनलेस एंड अंटिल आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाए, अगर बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो सीनियर से मांग के देखना, सीनियर्स दे देंगे, या फिर आप सेकंड हैंड ले लेना, या फिर अगर लोगे भी तो ग्रुप में लेना, ताकि अटेंडेंस वगैरह भी अगर वो धमकी देते हैं तो मिल जाए आपको। वैसे एक दो हफ्ते के अंदर ये सारा क्रेज खत्म हो जाता है कनिंघम वगैरह लाने का, बाकी आप फिर BDC पढ़ने वाले हो तो इसलिए ये सब मत लेना अभी, हर बड़ी में आके मत लेना कनिंघम वगैरह, ये फिर वेस्ट हो जाता है आपका पैसा। फिर दूसरी चीज फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल आपको बुक लेना होगा, मैंने जो मेरे कॉलेज में बताया गया था कि AK Jain की प्रैक्टिकल मैनुअल ले लो, तो हमने वही लिया था, बाकी आपके कॉलेज में देख लेना आपको क्या बोला जाता है, फिर वो लेना, वो कॉलेज में जाने के बाद आपको पता चलेगा। सिमिलरली बायोकेम के लिए हमने लिया हुआ एक KPSNA, वो हमने लिया हुआ है, बाकी आपके कॉलेज में जो बताते हैं वो आप ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कॉलेज में जाने के बाद डिसाइड करना कि आपको कौन से मैनुअल्स लेने हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, जो भी आपके कॉलेज वाले बताते हैं वो आप ले लेना, ये सारी बुक्स आपको लेना है। होप आई एम क्लियर।